असलम स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने सोशल एंटरप्रन्यरशिप के मॉडल्स की बात की इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मिशन रिलेशनशिप इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये मनी और मिशन रिलेशनशिप जो है वो ऑपरेशनलाइज कैसे होता है यानी रियल लाइफ में उसकी प्रैक्टिस कैसे होती है एलेक्स निकोल्स ने सेवन डिस्टिंक्ट प्रोटोटाइप्स जो हैं वो ऑन द बेस ऑफ एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड उसने जमा किए हैं हम इस लेक्चर में वन बाय वन इन सब मॉडल्स का जायजा लेंगे पहला मॉडल है एंटरप्रन्योर सपोर्ट मॉडल हम इसको स्क्रीन पर एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आप अपनी स्क्रीन पर एक फिगर देख सकते हैं बज़ाहर बहुत सिंपल है ये पूरे मॉडल को एक्सप्लेन करती है इसमें तीन एलिमेंट्स हैं एक सोशल एंटरप्राइज एक टारगेट पॉपुलेशन और एक मार्केट लेट्स सी के मिशन और मनी रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से यहाँ पर ट्रांसलेट होता है सोशल एंटरप्राइज जो है वो एम्बेडेड है यानी उसका मिशन ही उसका बिजनेस है या उसका बिजनेस उसका मिशन सेंटर्ड है अमूमन इस मॉडल में सोशल एंटरप्राइज जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी टारगेट पॉपुलेशन को सेल करते हैं टारगेट पॉपुलेशन कौन है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं या स्मॉल फॉर्म्स हैं छोटे छोटे शॉप्स या स्टोर्स या कोई छोटे मोटे रिटेलर्स या प्रोड्यूसर्स जो के फाइनेंशियल सर्विसेज की जिनको ज़रूरत होती है फाइनेंशियल सर्विसेज, मनी लोन सीड मनी स्टार्टअप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की टर्म्स में ट्रेनिंग बिजनेस मैनेजमेंट की हो सकती है अकाउंट्स की मेंटेनेंस, ऑडिट्स और इस किस्म के जो टूल्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकती है टारगेट पॉपुलेशन जो सर्विसेज हासिल करती है सोशल एंटरप्राइज से उनके ज़रिए से फिर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उसको वो ओपन मार्केट में सेल करते हैं ओपन मार्केट में सेल करके उन्हें जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है जो प्रॉफिट हासिल होता है उससे वो सोशल एंटरप्राइज को उसकी कीमत जो है प्रोडक्ट की जो फाइनेंशियल सर्विस थी वो वापस करते हैं और अपना जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो उसमें से निकालते हैं सोशल एंटरप्राइज जो है इन रिटर्न जो उसको वहाँ से आ, अपनी टारगेट पॉपुलेशन से मनी हासिल होती है उसको अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए इस्तेमाल करता है फर्दर फॉर एग्जांपल अगर लोन दे रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई सोशल एंटरप्राइज तो वो दोबारा लोन देने के लिए इस्तेमाल करता है और अपने जो रेकरेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए उस मनी को इस्तेमाल करता है जहाँ पर सर प्लस करते हैं ज़्यादा पैसे आते हैं ज़्यादा रेवन्यू जनरेट होता है प्रॉफिट होता है वहाँ पर ये सोशल एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो अपनी टारगेट पॉपुलेशन को ऑक्सिलरी सोशल सर्विसेज़, जैसे हेल्थ है एजुकेशन है जो उनकी लाइफ को बेहतर बना सके जिन चीज़ों से वो सर्विसेज़ फ़राहम करता है फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोन लेने वाले लोग हैं कवातीन का कोई ग्रुप है या दुकानदार हैं या कोई छोटी फर्म्स का एक ग्रुप है उन लोगों के लिए उनकी फ़ैमिलीज़ के लिए हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज से उन्हें कनेक्ट करने के लिए जो सर्विसेज हैं वो फ्राहम की जाती हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ये मॉडल जो है जिसे एंटरप्रेन्योर सपोर्ट मॉडल कहते हैं ऑफकोर्स इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं उसमें सबसे पहले उसकी लार्ज नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स और फर्म्स हैं उन तक उसकी पहुंच या एक्सेस है ये मैक्रो लेवल पे ज़्यादा लोगों को जिसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल उस लेवल पे काम करता है एक्चुअली ये इसकी ज़रूरत भी है जब तक आप छोटे छोटे लोन्स फॉर एग्जांपल अगर सोशल एंटरप्राइज दे रहा है वो बहुत सारे लोगों को नहीं देगा तो वो स्केलेबिलिटी नहीं होगी और बिजनेस वायबल नहीं होगा इसलिए उसकी ज़रूरत है कि वो ज़्यादा लोगों को एक्सेस करे दूसरे क्योंकि ये सेल्फ़ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल है तो इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो बाज़ दूसरे सोशल इंटरप्राइज की नस्बत ज़्यादा सिक्योर होती है इसको कहीं से ग्रांट नहीं आनी इसने जो रेवेन्यू जनरेट करना है जो पैसे एंटरप्राइज से अर्न करने हैं उसी से दोबारा आगे सर्विसेज़ फ्राहम करनी है तो ये एक सस्टेनेबल मॉडल है इसकी एक और स्ट्रेंथ जो है वो इसका मिशन सेंटर्ड होना है के बिजनेस में उलझ के सोशल एंटरप्राइज अपने मिशन या सोशल पर्पस को नहीं भूलता एक वीकनेस जो इसकी है वो ये है कि ये बहुत ही महदूद इसकी फील्ड्स में एप्लीकेशन है जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैंने बात की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एंटरप्रेन्योर सपोर्ट मॉडल जो है उसमें की एलिमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल स्मॉल फर्म्स लेकिन लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और स्मॉल फर्म्स को अप्रोच करता है और उनको टेक्निकल असिस्टेंस या फाइनेंशियल सर्विसेज फ्राहम करके उनकी डेवलपमेंट और बीइंग well का जो पर्पज़ है अपना मिशन है उसको अचीव करने की कोशिश करता है थैंक यू